छात्रों, बही खाता लेखा कर्म। कक्षा 12वीं में हम अध्ययन कर रहे थे अंश पूंजी लेखों के बारे में। आज हम ये देखेंगे, अभी इसके पहले हमने देखा था कि एक कंपनी जब अंशों का निर्गमन करती है तो अंशों की राशि उसे चार भागों में प्राप्त होती है। नंबर एक आवेदन पर, जो पूर्व में बताया था, आवेदन पर। नंबर दो आवंटन पर। नंबर तीन प्रथम याचना पर। और नंबर चार अंतिम याचना। इस प्रकार से एक अंश पूंजी जो होती है, एक अंश पत्र की जो राशि होती है वो कंपनी की, वो चार भागों में बंटी होती है। आवेदन पत्र पर सबसे पहले राशि ली जाती है, उसके पश्चात जो प्राप्त आवेदन है उनमें से स्क्रूटनी करके जिन अंशधारियों को हमें अंशों का आवंटन करना है, उन्हें बांटना है, वो आवंटन के अंतर्गत। और फिर जो शेष बची हुई राशि है वो प्रथम याचना और सेकंड या अंतिम याचना के अंतर्गत मंगवाई जाती है। तो अंशों का निर्गमन यहाँ बात करते हैं यहाँ पर, तो अंशों का निर्गमन जो होता है वो दो प्रकार से होता है, एक नगद रूप में और एक रोकड़ के अलावा अन्य प्रतिफल के रूप में। जब अंशों का निर्गमन किया जाता है तो नगद रूप में अर्थात आवेदन पत्र के साथ नगद राशि लगाकर जो है आवेदन करते हैं, और कंपनी प्राप्त आवेदनों के आधार पर उन्हें आवंटन करती है और फर्स्ट काल अंतिम काल से उनसे राशि प्राप्त करती है। दूसरा बिंदु जो यहाँ पर है, रोकड़ के अलावा अन्य प्रतिफल के लिए निर्गमन, अर्थात यहाँ पर अन्य कोई संपत्ति कंपनी जो है खरीदती है या कोई अन्य प्रतिफल के रूप में जो है अंशों को अपने अंशधारियों को जारी करती है। तो दूसरा प्रकार अंशों का निर्गमन का यहाँ पर ये है। तो यहाँ पर हम जो नगद की बात कर रहे थे, ये तीन रूपों में अंशों का निर्गमन किया जाता है। एक सममूल्य पर निर्गमन, दूसरा प्रीमियम पर निर्गमन, और नंबर तीसरा है पट्टे पर निर्गमन। अर्थात जब अंश पत्रों का निर्गमन नगद रूप में किया जाता है तो तीन प्रकार से किया जाता है। नंबर एक सममूल्य पर निर्गमन, दूसरा प्रीमियम पर निर्गमन, और तीसरा जो है वो बट्टे पर निर्गमन। तो ये सममूल्य पर निर्गमन से तात्पर्य, जिसको अभी हम और आगे डिटेल में पढ़ेंगे, इससे आशा यहाँ पर ये है कि अंश पत्र का जो अंकित मूल्य है उसी अंकित मूल्य पर अंश पत्र को बाजार में जारी किया जाएगा। जैसे मान लीजिए यदि 10 रुपये का अंश पत्र है या 100 रुपये का अंश पत्र है तो उसी अंश पत्र की राशि पर जो है अंशधारियों से अंश पत्र की राशि प्राप्त की जाएगी अंकित मूल्य पर। दूसरा है प्रीमियम पर निर्गमन, अर्थात अंश पत्र पर जो अंकित मूल्य है उस अंकित मूल्य से अधिक मूल्य पर अंशों को उन्हें बेचा जाता है, तो वो प्रीमियम पर निर्गमन है। जैसे कि उदाहरण, यदि 100 रुपये का अंश पत्र है और 5% प्रीमियम पर उसको बेचा जाता है तो अंकित मूल्य उसका 100 रुपये ही रहेगा, लेकिन मार्केट में उसकी जो वैल्यू होगी, कीमत जो होगी वो 105 रुपये की होगी। तो 100 रुपये का अंश पत्र यदि 105 रुपये में बेचा जा रहा तो वो प्रीमियम पर निर्गमन कहलाएगा। तीसरा जो है बट्टे पर निर्गमन, अर्थात छूट पर, कटौती पर। प्रीमियम का जस्ट उल्टा है। बट्टे पर निर्गमन से तात्पर्य यहाँ पर ये है कि जब अंश पत्र को बाजार में जारी किया जाता है तो उसके अंकित मूल्य से कम मूल्य पर अंश पत्र को यहाँ पर बेचा जाता है। जैसे 100 रुपये का अंश पत्र है और उसे 5% के बट्टे पर यदि बाजार में निर्गमित किया जाता है तो इसका मतलब कि उस अंकित 100 रुपये वाले अंश पत्र की वैल्यू जो है वो कितनी है, 95 रुपये, 5% कम। तो इस प्रकार से यहाँ अंश पत्र का जो निर्गमन होता है वो तीन रूप में होता है, सममूल्य पर निर्गमन, प्रीमियम पर निर्गमन, और तीसरा बट्टे पर निर्गमन। इसको हम यहाँ विस्तार से देखेंगे। नंबर एक जो है अंशों का सममूल्य पर निर्गमन। सममूल्य से तात्पर्य है यहां पर अंकित मूल्य पर ही, जो अंश पत्र में मूल्य लिखा हुआ है उसी मूल्य पर अंश पत्र का निर्गमन किया जाएगा, अर्थात उसके अंकित मूल्य पर किया जाए तो उसे हम सममूल्य पर अंशों का निर्गमन कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए कंपनी के एक अंश की कीमत 10 रुपये है और उसे 10 रुपये पर ही जारी किया गया तो उसे सममूल्य पर निर्गमन करना कहते हैं।
था 10 रुपये का अंश पत्र, उसी कीमत पर जारी किया गया, तो जो है सममूल्य पर निर्गमन। तो ये पहला प्रकार है। दूसरा जो है अंशों का प्रीमियम पर निर्गमन। यहां पर हम देखेंगे कि अंकित मूल्य से अधिक मूल्य पर, जो अंकित मूल्य है उस अंकित मूल्य से अधिक मूल्य पर जब अंश पत्र को बाजार में बेचा जाता है तो उसे हम प्रीमियम पर अंशों का निर्गमन कहते हैं। यहां उसे प्रीमियम पर अंशों का निर्गमन कहते हैं। इसमें अंशधारी से अंश में अंकित मूल्य से अधिक राशि ली जाती है। तो यह अंकित मूल्य हो गया, जो अंश पत्र में दर्ज है उससे अधिक राशि ली जाती है। जैसा अभी उदाहरण बताया था कि यदि 100 रुपये का अंश पत्र है और उसे 5% प्रीमियम पर जारी किया जाता है, इसका मतलब उस अंश की कीमत कितनी हो गई, 105 रुपये, भले ही उसका अंकित मूल्य कितना है 100 रुपये। तो यहाँ जो 5 रुपये है यही राशि जो है प्रीमियम कहलाती है। अब ये कौन सी कंपनियां जारी करती हैं, जिनकी बाजार में साख अच्छी है, जिनके अंश पत्र शेयर्स की वैल्यू बाजार में बेहतर है, अच्छी है, उनकी लाभार्जन क्षमता जो है वो बेहतर है, लाभार्जन क्षमता अधिक है, वे अपने अंशों का निर्गमन प्रीमियम पर करती हैं। जैसे उदाहरण के लिए यहां हमने बताया कि 10 रुपये वाले अंकित अंश पत्र को 12 रुपये प्रति अंश पत्र के हिसाब से यदि बाजार में जारी किया जाता है तो 2 रुपये जो है ये क्या है, प्रीमियम की राशि कहलाती है। अर्थात अंकित मूल्य से अधिक मूल्य पर जब अंश पत्र को बाजार में बेचा जाता है तो वो जो अधिक मूल्य है अंकित मूल्य से वो क्या है, प्रीमियम की राशि। तो ये कहलाता है अंशों पर का प्रीमियम पर निर्गमन। अब किन किन कंडीशन में ये होती है अंश प्रीमियम, जो क्या है, एक पूंजीगत लाभ है अंश प्रीमियम जो है ये, इसलिए इसे चिट्ठे के संचय एवं आधिक्य के शीर्षक में प्रतिभूति प्रीमियम संचय खाते के नाम से दर्शाया जाता है। इस प्रीमियम की राशि को लाभांश के रूप में नहीं बांटा जा सकता। यहाँ इस राशि का उपयोग हम निम्न रूप में करते हैं। नंबर एक, तो प्रारंभिक व्ययों को अपलिखित करने के लिए, जो स्थापना के समय के जो प्रारंभिक व्यय हैं उन व्ययों को समायोजित करने के लिए, अपलिखित करने के लिए हम जो है प्रीमियम की राशि का उपयोग करते हैं। जो अधिक राशि है प्रीमियम राशि का उपयोग। दूसरा बिंदु जो है, किसी अंश या ऋण पत्रों के शोधन पर दे प्रीमियम हेतु। जब ऐसे अंश पत्र जिनका हम शोधन करते हैं, भुगतान कर रहे हैं, उनके ऋण पत्रों का भुगतान कर रहे हैं, तो उन पर जो हमें प्रीमियम देना है उस प्रीमियम के लिए जो है हम अंश प्रीमियम की राशि का इस्तेमाल करते हैं। तीसरा बिंदु है, अंशधारियों को पूर्ण दत्त बोनस अंश देने हेतु। यहाँ पर ऐसे अंशधारियों को जिनको हमें पूर्ण रूप से बोनस के रूप में उन्हें अंश पत्र जारी करना है। फिर अपने ही अंशों की पुनः खरीद हेतु, कंपनी जब अपने ही अंशों को जो बाजार में जारी कर रही उनको पुनः वापस खुद भी खरीद रही है, तो यहाँ पर प्रीमियम का राशि का जो उपयोग है वो अपने ही अंशों को पुनः खरीदने के लिए करती है। फिर प्रतिभूतियों के निर्गमन व्यय, छूट व कमीशन को अपलिखित करने हेतु। यदि जो प्रतिभूतियां हमने निर्गमित की थी पूर्व में, निर्गमन से संबंधित जो व्यय किए थे, जो छूट वगैरह दी, जो कमीशन वगैरह दिया, उसको हमें अपलिखित करने हेतु। तो प्रायः अंशों पर प्रीमियम का जो लेखा है अंश आवंटन खाते पर किया जाता है। जब हम अंशों को आवंटित करते हैं तब उस समय हम प्रीमियम का लेखा करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पर जब एक कंपनी ने मान लीजिए अपने 1000 अंश पत्र जो हैं बाजार में जारी किए और प्रीमियम की राशि का उल्लेख उसने आवंटन की राशि पर किया है, तो यहाँ पर जनरली प्रीमियम का लेखा जो अंश है आवंटन पर ही किया जाता है। यह परंतु यह प्रीमियम आवेदन एवं याचनाओं पर भी मांगा जा सकता है। अर्थात प्रीमियम की जो राशि है वो आवेदन पर, आवंटन पर और याचनाओं के समय भी मांगी जा सकती है। तो ये जो है यहाँ पर, इसके बाद हम देखते हैं प्रीमियम का लेखा अंश पत्रों को प्रीमियम पर जारी करना।
प्रीमियम पर जारी जब हम करते हैं तब उस समय क्या लिखा होगा, ये जब प्रीमियम आवेदन पर दे हो, तो जहां पर जो है बैंक अकाउंट डेबिट जो राशि हमें प्राप्त हुई टू शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट के माध्यम से, बीइंग एप्लीकेशन मनी एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम रिसीव्ड, अर्थात जो आवेदन के साथ हमने प्रीमियम प्राप्त किया है वो आवेदन प्लस प्रीमियम की राशि दोनों को हम बैंक अकाउंट में यहाँ पर लिखेंगे टू शेयर एप्लीकेशन आवेदन के माध्यम से। दूसरा, जब इसकी हम यहाँ एंट्री करेंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, आवेदन पर प्राप्त होने वाली कुल राशि डेबिट टू शेयर्स कैपिटल अकाउंट, मतलब यहाँ आवेदन की राशि। तो यहाँ पर यदि 1000 अंश हैं, आवेदन पर ₹2 था तो ये ₹2000 लिखेंगे, और इसके साथ जो है ₹2 था मान लीजिए, या सेकंड स्थिति में आवेदन पर प्राप्त होने वाली कुल राशि, यहाँ शेयर एप्लीकेशन यहाँ शेयर कैपिटल अकाउंट में आवेदन की दे राशि, यहाँ जो है डेबिट जो होगा आवेदन की राशि और प्रीमियम की राशि, कुल राशि यहाँ दोनों प्लस होके शेयर एप्लीकेशन डेबिट हो जाएगी और टू शेयर कैपिटल अकाउंट आवेदन की जो मूल राशि है जो आवेदन में राशि प्राप्त होना उसको प्लस यहाँ पर जो प्रीमियम की जो राशि है वो, तो ये दोनों प्लस हो जाएंगी यहाँ पर शेयर एप्लीकेशन अकाउंट बीइंग एप्लीकेशन मनी सिक्योरिटीज प्रीमियम ड्यू, तो ये जो है यहाँ पर प्रीमियम ड्यू दिखाया गया इतनी राशि के साथ। दूसरी कंडीशन जो है जब प्रीमियम आवंटन पर दे हो, अर्थात प्रीमियम हम आवेदन के साथ ना मंगा के आवंटन के समय प्राप्त करते हैं, तो यहाँ जो हम पहली एंट्री ड्यू होने की करेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, मतलब यहाँ आवंटन प्लस प्रीमियम, आवंटन प्लस प्रीमियम की राशि जो है दोनों को यहाँ डेबिट करेंगे। टू शेयर कैपिटल अकाउंट जो राशि वास्तव में अलॉटमेंट के आवंटन की राशि है, और दूसरा जो है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, तो यहाँ पर जो प्रीमियम की राशि है और प्लस जो मूल आवंटन की राशि है वो इसको हम यहाँ पर ड्यू दिखाएंगे। अब यहाँ पर आवंटन प्लस प्रीमियम की राशि दोनों हमें एक साथ प्राप्त हो गई, तो बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा डेबिट हो जाएगा, ये बैंक अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट अंश आवंटन खाता से। तो इस प्रकार से यहाँ हम जो है प्रीमियम का जो लेखा करते हैं, जब राशि प्रीमियम की राशि आवेदन पर मंगाई गई हो या जब राशि प्रीमियम की राशि आवंटन पर मंगाई गई हो, तो उस स्थिति में जो जनरल प्रविष्टि होंगी वो ये होंगी। इसी से जुड़ा हुआ एक हम अभ्यास प्रश्न देखते हैं। एक कंपनी ने ₹10 वाले 2000 अंश ₹12 के हिसाब से, जिसमें आवेदन पर ₹2, आवंटन पर ₹5, ₹2 प्रीमियम सहित और प्रथम व अंतिम याचना पर ₹5 थे जारी किए, समस्त राशि प्राप्त हो गई, जनरल प्रविष्टियां यहाँ कीजिए। तो यहाँ हम देख लें, सबसे पहले लिख लें आवेदन अंश की अंश पत्र की राशि जो है, अंश पत्र राशि कितनी है ₹12। 12 में से आवेदन पर ₹2 और आवंटन पर जो है ₹5 है, जिसमें आपका ₹3 आवंटन का और ₹2 जो है वो प्रीमियम का है। और याचना पर जो है ₹5। इस प्रकार से यहाँ पर 5, 3, 8 और 2, ₹10 और ₹2 हम प्लस कर देंगे तो वो हो जाएंगे प्रीमियम के। अब यदि यहाँ पर जो है राशि जो हमें प्राप्त हो रही है आवंटन अलॉटमेंट के समय हम प्रीमियम को यहाँ ड्यू करते हैं, तो सबसे पहले तो जनरल जो प्रविष्टि हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, अंश पत्र जारी किए 2000 के हिसाब से 2000 × 2, तो ये आए कितना ₹4000, बैंक में ₹4000, ₹2 आवेदन पत्र के हिसाब से
इसके हिसाब से यहाँ पर 4,000 आ गए। इसको हमने ट्रांसफर किया शेयर एप्लीकेशन अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 4,000। ये अंश पूंजी खाते में हमने इसको ट्रांसफर किया। अब यहाँ पर प्रीमियम के साथ आवंटन पर जो है प्रीमियम के साथ तो यहाँ शेयर अलॉटमेंट में राशि जो है वो 10,000 रुपये आ गई, 5 रुपये आवंटन के हिसाब से, 2,000 इंटू 5 10,000 ये आ गए। अब शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में 3 रुपये जो हैं ये काय के हैं आवेदन के, 3 रुपये जो हैं वो आवेदन के, और 2 रुपये ये हैं प्रीमियम के। तो ये यहाँ पर 2,000 इंटू 3 6,000 और 2,000 इंटू 2 प्रीमियम के 4,000। इस प्रकार से यहाँ बैंक अकाउंट में 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट आवंटन खाते के माध्यम से जो है 10,000 रुपये यहाँ पर आ गए, 2,000 इंटू 5 ये 10,000 रुपये जो यहाँ पर इसको प्राप्त हो। इसको हमने फिर इसके बाद शेयर फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल अकाउंट, इसकी राशि कितनी है याचना पर 5 रुपये है, तो ये भी 2,000 इंटू 5 बराबर 10,000। इसी प्रकार से यहाँ बैंक अकाउंट में 2,000 इंटू 5 ये 10,000 रुपये प्राप्त होगी। तो विंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। तो यहाँ हमने सवाल के अंतर्गत ये देखा कि जब एक कंपनी अपने अंश पत्रों को प्रीमियम के साथ जारी करती है तो या तो वो आवेदन के समय प्रीमियम प्राप्त कर सकती है, या आवंटन के समय प्राप्त कर सकती है, या फर्स्ट कॉल या लास्ट कॉल के समय प्राप्त कर सकती है। तो इस स्थिति में यदि प्रीमियम आवंटन के समय प्राप्त करती है तो यहाँ पर जनरल प्रविष्टि जो है टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट क्रेडिट के नाम से जो है जितनी राशि प्रीमियम के रूप में प्राप्त की है वो उतनी यहाँ पर लेखा इसका किया जाता है। तीसरी पोजीशन जो है इसमें अंशों का बट्टे पर निर्गमन। अंशों के बट्टे पर निर्गमन से तात्पर्य यह है कि जब कोई कंपनी अपने अंशों का निर्गमन अंकित मूल्य से कम मूल्य पर करती है तो इसे हम बट्टे पर निर्गमन कहते हैं, अर्थात छूट देती है। तो जैसे उदाहरण के लिए यदि 100 रुपये का अंकित मूल्य वाला अंश 95 रुपये में जारी किया जाता है तो इसे हम 5% बट्टे पर निर्गमित हुआ माना जाता है। तो यहाँ पर अंशों को बट्टे पर निर्गमन से तात्पर्य है कि जब कोई कंपनी अपने अंश पत्रों को बाजार में अपने अंकित मूल्य से कुछ कम मूल्य पर जारी करती है, अंश का अंकित मूल्य उतना ही रहता है तो यहाँ पर वो छूट मानी जाती है। यहाँ कंपनी अधिनियम के अंतर्गत कंपनी अपने अंशों की छूट पर निर्गमन तब तक नहीं कर सकती जब तक वह निम्न शर्तों को पूरा नहीं कर ले, अर्थात बट्टे पर अंश पत्रों को जारी करने की शर्तें, अंश को बट्टे पर निर्गमित करने के लिए वार्षिक साधारण सभा में प्रस्ताव पारित किया जाता है व केंद्रीय सरकार की अनुमति प्राप्त की जाती है। दूसरा बिंदु है पास किए गए प्रस्ताव में बट्टे की दर की अधिकतम सीमा अंकित मूल्य से 10% से अधिक नहीं होनी चाहिए। यदि अंशपत्र 100 रुपये का है तो छूट की राशि 10% से अधिक नहीं होना चाहिए, अर्थात 10 रुपये से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अर्थात यहाँ पर 100 रुपये वाला यदि अंशपत्र है तो उसको अधिकतम 90 रुपये पर हम बाजार में छूट के साथ जारी कर सकते। फिर अंशों के निर्गमन तिथि पर व्यवसाय के प्रारंभ का 1 वर्ष हो चुका हो, अर्थात बट्टे पर हम अंश पत्रों का निर्गमन तभी कर सकते हैं जबकि 1 वर्ष हमें पूरा व्यवसाय को प्रारंभ किए हो चुका। फिर इन अंशों का निर्गमन जो है श्रम साध्य स्वीट समता अंशों की ही दशा में किया जाता है। ये श्रम साध्य या स्वीट समता अंश कहलाते हैं, ये वे समता अंश कहलाते हैं जो कंपनी अपने कंपनी से जुड़े हुए लोगों को ये समता अंश पत्र जारी करती है। तो बट्टे पर जो है स्वीट समता अंश को ही जारी किया जाता है। फिर अंशधारियों को दी गई बट्टे की राशि को हम अंश के बट्टे पर निर्गमित खाते में ट्रांसफर करते हैं, डेबिट किया जाना चाहिए, और बट्टे की राशि जो है पूंजीगत हानि मानी जाती है। तो एक अंश पत्र को बाजार में अपने अंकित मूल्य से कम मूल्य पर जारी करना बट्टे पर निर्गमन करना कहलाता है।
ये तीन बिंदु हो गए जो अभी हमने देखे थे कि कंपनी जो है नगद रूप में जब अंश पत्रों को बाजार में जारी करती है तो नंबर एक सम मूल्य पर, दूसरा प्रीमियम पर और तीसरा बट्टे पर जारी करती है। अब निर्गमन में संपत्ति के बदले अंशों का निर्गमन, यदि एक कंपनी कोई अंश पत्रों को बाजार में जारी करती है और उसके बदले में जो है संपत्ति परचेज करती है तो उनको जो है अंश पत्र बाजार में जारी करती है। तो प्राय कंपनियां कई बार रोकड़ के अतिरिक्त अन्य प्रतिफल के बदले अंशों का निर्गमन करती है। ये अंश पूर्णगत अंशों के रूप में निर्गमित किए जाते हैं। ये अंश जो है सम्मूल्य या प्रीमियम पर जारी किए जा सकते हैं। संपत्ति को क्रय करने के बदले अंशों का निर्गमन जब किया जाता है तो निम्न प्रविष्टि यहाँ पर होगी, अर्थात जो अंश पत्रों को बाजार में जारी किया गया है उसके बदले में नगद राशि यहाँ पर जो प्राप्त करते हैं तो उससे जो है सामने वाले से यहाँ पर कंपनी जो है कोई संपत्ति परचेज करती है, खरीद लेती है और संपत्ति को क्रय के बदले जो है यहाँ पर अंश पत्रों को उसको जारी करती है। तो संपत्ति के बदले अंशों का निर्गमन, इसकी जो प्रविष्टि है असेट्स अकाउंट डेबिट, ये संपत्ति खाता। टू वेंडर्स विक्रेता, विक्रेता खाता। तो ये बीइंग असेट्स परचेज, संपत्ति को खरीदा। दूसरा जो है इसने अंश पत्र को बाजार में उसको जारी किया तो वेंडर्स अकाउंट डेबिट, विक्रेता। टू शेयर कैपिटल अकाउंट, जितने अंश पत्रों को उसने कीमत के बदले, उस संपत्ति की कीमत के बदले उसको जारी किया। टू शेयर प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, यदि प्रीमियम पर जारी किया है तो प्रीमियम की राशि भी यहाँ पर आ जाएगी। तो इससे जुड़ा हुआ एक हम अभ्यास प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर एक कंपनी ने 40,000 रुपए के अंश जनता को सम्मूल्य पर पूर्णगत अंश निर्गमित किए। कंपनी ने यहाँ पर 3,00,000 रुपए की संपत्ति जो है पारस लिमिटेड से खरीदी, जिसका भुगतान 1,00,000 रुपए नगद और शेष अंशों के द्वारा किया गया। यहां पर जो है एक कंपनी ने 4,00,000 रुपए के अंश जो है जनता को सम्मूल्य पर जारी किए। यहां पर 3,00,000 रुपए की संपत्ति जो है साथ ही कंपनी ने पारस लिमिटेड से खरीदी, जिसका भुगतान उसने 1,00,000 रुपए नगद व शेष जो भुगतान है वो अंशों के द्वारा किए। तो यहां सबसे पहले तो जो आ गए बैंक अकाउंट डेबिट 4,00,000 रुपए, टू शेयर कैपिटल अकाउंट 4,00,000, ये बाजार में जो उसने अंश पत्रों को जारी किया। दूसरा जो है सन्ड्री असेट्स, यहां पर 3,00,000 रुपए की संपत्ति जो है उसने पारस लिमिटेड से खरीदी, तो ये टू पारस लिमिटेड संपत्ति, इसकी प्रविष्टि हमने यहां पर की। टू पारस लिमिटेड से कंपनी ने जो है 3,00,000 की संपत्ति खरीदी। अब पारस लिमिटेड को यहां पर भुगतान करने की बात आई तो पारस लिमिटेड को भुगतान जो हुआ 3,00,000 हुआ। अब किस प्रकार से हुआ, टू बैंक अकाउंट, ये नगद, नगद के रूप में 1,00,000 रुपए जो यहां पर बोल रहा कि इसका भुगतान 1,00,000 रुपए नगद और बाकी का भुगतान जो है अंशों के द्वारा किया गया। तो टू शेयर्स कैपिटल अकाउंट, मतलब यहां पर अंश पत्रों के माध्यम से, अंश पत्र के द्वारा 2,00,000 रुपए के अंश पत्र उसको जारी किए। तो विंग पेमेंट मेड टू पारस लिमिटेड बाय कैश एंड शेयर्स, मतलब नगद और अंश के रूप में जो है यहां पर कंपनी ने पारस लिमिटेड को भुगतान किया। तो ये सवाल जो जुड़ा हुआ है संपत्ति के बदले जो है अंशों के माध्यम से भुगतान करना। कुछ अभ्यास प्रश्न है, नंबर एक अंशों के सम्मूल्य पर निर्गमन से क्या आशय है समझाइए। दूसरा, अंशों के प्रीमियम पर निर्गमन किन शर्तों पर किया जा सकता है समझाइए। जनरल प्रविष्टि दीजिए और अंशों के बट्टे पर निर्गमन की शर्तों का उल्लेख कीजिए। चौथा है, संपत्ति को क्रय करने के बदले अंशों के निर्गमन को समझाइए एवं जनरल प्रविष्टि दीजिए।